हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू आईएक्सएमबी। आज हम शुरू करते हैं करंट अफेयर 14th मार्च 2023 का। सो फ्रेंड्स, लाइक यू नो आई ऑलवेज रिमाइंड कि आपको बीपीडीआई डाउनलोड करना है, आपको रिवाइज करना है, बिकॉज रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन को गैदर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंफॉर्मेशन गैदर करके अगर आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे, क्वेश्चन देख के अगर आपको ये फीलिंग आया कि ये मुझे पता था, मैंने कहीं पढ़ा था, एंड आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, दैट वुड बी द वर्स्ट फीलिंग इन द एग्जाम। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना जितना इंपॉर्टेंट लगता है, उससे एक स्टेप पे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप उनको रिविजन करो टाइम टू टाइम, सो दैट यू आपको याद रहे, राइट? क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत है, ये याद तभी रहेगा जब आप इसको टाइम टू टाइम रिविजन करोगे। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा करंट अफेयर पहले न्यूज से, जो कि है रिलेटेड टू सिलिकॉन वैली बैंक, राइट? तो देखो, कल हमने अच्छे से समझा था कि कैसे कैलिफोर्निया का जो बैंक है SVC बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक SVB बैंक, तो वो फेल हो गया, राइट? लेकिन उससे रिलेटेड जुड़ा हुआ जो कुछ न्यूज है ना, वो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यूज आया, सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स, RBI वे अप द इंपैक्ट ऑन बैंक्स NBFCs, राइट? तो RBI मतलब जो कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर है, वो क्या कर रही है, देख रही है कि इंडियन बैंक्स और जो NBFCs हैं उन पे क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, टू बी वेरी प्रिसाइज, ये जो बैंक्स उन्होंने बोला ना, दिस इज मोर फिनटेक, क्योंकि उन फिनटेक्स को फंड कहीं ना कहीं बैंक्स किए हैं, राइट? कुछ स्टार्टअप्स को फंड बैंक किए हैं, तो अभी हो सकता है बैंकिंग सिस्टम पे भी असर आए, क्योंकि वो लोन आगे चल के NPA बन सकता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन सकता है। एंड NBFC तो बैंक से ज्यादा खतरे में आ गए हैं, क्यों? क्योंकि जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs हैं, वो अगर किसी को लोन देते हैं, उनका लोन अगर NPA होता है, तो उनमें भी कैश क्रंच जल्दी आता है व्हेन यू कंपेयर देम विद बैंक्स, बिकॉज बैंक्स में तो डिपॉजिट आते रहता है, तो कैश क्रंच उतना नहीं होता है, बट NBFC में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एक तो ये न्यूज था रिलेटेड टू सिलिकॉन वैली बैंक, ठीक है? और इसमें एक समझने वाली बात यह है कि कौन से बैंक इंपैक्टेड हो सकते हैं। सो एज पर दिस रिपोर्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बैंक ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं SBC से जुड़ा हुआ, मतलब एक्सपोज्ड है, राइट? तो अगेन एट दिस मोमेंट हम ये नहीं बता सकते कि क्या स्टेटस आने वाला है आगे दिनों में। हाँ, ये बात है कि रेगुलेटर्स जो है, मतलब इंडियन रेगुलेटर्स एंड अमेरिकन रेगुलेटर्स भी कोशिश ये कर रहे हैं कि इंपैक्ट मिनिमम से मिनिमम हो। अगर आप इस न्यूज के साथ, मैं एक इंफॉर्मेशन और आपको दूं, जो बैंक्स है, मतलब जो बैंक फेल हुआ है ना, वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, ये उनका CEO का जवाब है। लेकिन वहां का जो कैलिफोर्निया का जो रेगुलेटर है FIDC, उनका कहना कुछ और है। सो इट्स दिस सिचुएशन इज लिटिल डाइसी एंड कॉम्प्लिकेटेड, राइट? अब क्योंकि ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, मतलब इंडियन रेगुलेटर कैन नॉट डू एनीथिंग, वो सीधा सीधा आगे चल के कैसे इंपैक्ट आता है उससे समझ में आएगा, ठीक? तो SVB क्राइसिस IVA पैनल मीट। हाँ, नेक्स्ट न्यूज ये है कि जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है, ये मीट करने वाली है टू डिस्कस स्ट्रेटजी टू बैक स्टार्टअप को बैक करने के लिए ये डिस्कस करने वाली है। तो ये है न्यूज। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज में, वो अबाउट द रिटेल इन्फ्लेशन। तो अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं, जो फरवरी मंथ का इन्फ्लेशन है वो 6% से ज्यादा है, ठीक है? तो कितना है इन्फ्लेशन जो है, वो 6.44% है। आपको याद होगा पिछले साल से मई महीने से RBI ने जो रेपो रेट बढ़ाना शुरू किया 250 बेसिस पॉइंट, 250 मतलब 2.5% से भी ज्यादा उन्होंने रेपो रेट अब तक वो बढ़ा चुके हैं। फॉलोइंग दैट, उसके बाद भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आया। अगर आपको याद होगा नवंबर मंथ में इन्फ्लेशन 5.85 या 88 ऐसा कुछ था, मतलब ये 6% से नीचे आ गया था। लेकिन अगर आप दिसंबर देखोगे, दिसंबर में भी कंट्रोल था, जनवरी में फिर ऊपर चले गया 6% से, और अब तो ये और बढ़ गया है 6.44%। मतलब फेब में जो रेपो रेट RBI ने 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया, उसके बावजूद भी इन्फ्लेशन CPI कंट्रोल से बाहर है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस डेटा को याद कर लेना है कि 6.44 इज द लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा।
अब हम चलेंगे नेक्स्ट न्यूज में, वो है रिलेटेड टू इंडिया एंड स्वीडन। ये सब न्यूज को बहुत इनडेप्थ में नहीं पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है कि एक मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन साइन हुआ है बिटवीन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जो कि एक स्वीडिश फाउंडेशन है फॉर इंटरनल कॉपरेशन इन रिसर्च एंड हायर एजुकेशन, स्टॉकहोम स्वीडन का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अच्छा, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ये इंडिया का है, राइट। मैंने एक साथ पढ़ दिया तो आपको शायद ये साउंड हुआ कि यही है स्वीडन का। स्वीडन का क्या है? स्वीडिश फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन इन रिसर्च एंड हायर एजुकेशन। अब ये न्यूज से किस तरीके का सवाल पूछ सकते हैं? एक तो डायरेक्टली कंट्री के बारे में पूछ सकते हैं, एक पूछ सकते हैं कि किसके किसके बीच में हुआ, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एंड ये, और नहीं तो उसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो ऐसे ना कुछ कुछ आपको भी समझ के न्यूज को पढ़ना है। अब हम चलेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज में, वो है इंडिया टू होस्ट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग एट 17 and 18 March 2023 इन काशी। तो आई होप क्लियर हो गया आपको क्या पढ़ना है। शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल का जो मीट है टूरिज्म मिनिस्टर कहां पे होगा? काशी में होगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जो शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, राइट। अब हम चलेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज में, वो है बजट 2023-24 में। आपको ध्यान होगा कि गवर्नमेंट ने यह बताया कि EMRS मतलब एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए वो टीचर हायर करने वाले, राइट। अब क्योंकि पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा काम कर रहा है तो इंफॉर्मेशन राज्यसभा में अपियर हुआ है, राइट। तो ये as of today it's not a new news, ये तो बजट का ही एक्सट्रैक्ट है, बट सिंस इट इज डिक्लेयर्ड इन ये पार्लियामेंट में भी एक बार बात हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम स्पेशली रेगुलेटरी बॉडी, राइट। मतलब आप इसको डायरेक्टली एक तो एजुकेशन से रिलेट कर सकते हो अपने सिलेबस में, और अगर हम नबार्ड की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ARD से भी रिलेट कर सकते हो, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, राइट। मतलब रूरल डेवलपमेंट, तो मैं वो बोलना चाहता हूं। ERMS स्कूल कब हुआ और ये कहां पे होता है? ये ट्राइबल रीजन में स्कूल्स हैं, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट कितना पैसा खर्चा करने वाली है? समवेयर अराउंड 37.80 लाख करोड़, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज में, वो है PM शेयर लिंक ऑफ MSME कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम। कुछ दिन पहले ये स्कीम आया था ना, ये स्कीम लाइव हो गया है, राइट। स्कीम लाइव हो गया, इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन ताकि आपको पता रहे स्कीम के बारे में आप पढ़ो। नेक्स्ट न्यूज है रिलेटेड टू मार्टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, जिसका मार्टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX। आपको ये सवाल पूछ देगा कि ये किसके किसके कौन से डिफेंस फोर्सेस के बीच में है? इट्स विद जापानीज मार्टाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, ठीक। कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? INS शाद्री, इंडियन नेवल शिप शाद्री। तो ये सब सारा चीज आपको ध्यान रखना होगा। With this, we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential and all the best for all the exams that you are preparing. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster. Milte hain fir kisi dusre video mein.